नमस्कार, गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। युवा जागृति संस्थान के द्वारा स्थापित गांववाणी स्टूडियो के इस शनिवार विशेष कार्यक्रम का हमेशा प्रयास रहता है गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए ऐसे लोग जिनकी कहानियां अभी अनछुई हैं, किसी मंच के ऊपर प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें एक साझा मंच प्रदान करने का काम कर रहा है युवा जागृति संस्थान। इसी प्रकार की एक सफलता की कहानी और आपसे हम साझा करेंगे उनकी सफलता की कहानियों को कि किस प्रकार उन्होंने अपने इस संघर्ष के क्रम को आरंभ किया। तो चलिए आपको हम रूबरू कराते हैं। मैं विजेंद्र सिंह मान, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा बांसुर अलवर। मैंने इस विद्यालय में 6 जून 2017 को कार्यग्रहण किया। उस समय इस विद्यालय में मात्र 256 बच्चे थे और संसाधनों के नाम पर ये कहूँ कि सन 1960 में सेठ श्री प्रभातीलाल जी ने इस विद्यालय की नींव रखी और प्राइमरी विद्यालय का भवन बनाया। उस भवन के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इस विद्यालय में एक भी कमरा नहीं बना। भामाशाहों के द्वारा 2 कमरे बने। प्रार्थना स्थल पर कोई चारदीवारी नहीं थी, आवारा पशु घूमते थे और ग्रामीण गांव के लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रार्थना स्थल प्लेग्राउंड पर कब्जा कर रखा था। ग्रामवासियों के सहयोग से, तत्कालीन सरपंच साहब के सहयोग से उनका कब्जा हटाया और सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्रांगण में मैंने चारदीवारी करवाई सभी के सहयोग से। तत्पश्चात 2018 का परीक्षा परिणाम आया तो इस विद्यालय के 8 बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी लैपटॉप छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 लैपटॉप प्राप्त हुए, जो कि पूरे अलवर जिले में सरकारी विद्यालयों में ये एक रिकॉर्ड था। इससे गांव के लोगों का जुड़ाव विद्यालय से हुआ, उन्होंने छात्रों का प्रवेश विद्यालय में करवाया और हमारी टीम पर, मेरे स्टाफ पर विश्वास जताया और नामांकन में एकदम से 200 बच्चों की वृद्धि हुई और हम 400 के नामांकन के लगभग 2019 में पहुंच गए। इसी दरमियान संसाधन कम पड़ने लगे, गाँव वालों की एसडीएमसी की मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा कि कम से कम एक कमरे की शुरुआत गांव के सहयोग से हो, तो ग्रामीणों ने ये अपनी मंशा व्यक्त की कि ग्रामीण गांव में लेबर क्लास ज़्यादा है, अल्पसंख्यक एससी एसटी समुदाय के लोग हैं तो इतने भामाशाह यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन लोगों को मोटिवेट किया और सर्वप्रथम मैंने स्वयं ने 21,000 रुपये की पर्ची कटवा करके, रसीद कटवा करके और इस कार्य को प्रारंभ किया और एक कमरा जन सहयोग से तैयार हुआ। इसके पश्चात एमएलए कोटे से हमारे क्षेत्र की विधायक महोदय श्रीमती शकुंतला रावत के पास गए, उन्होंने एक कमरा स्वीकृत किया। इस प्रकार 1 से 2 हुए और फिर छात्र संख्या को देखते हुए नाबार्ड ने 4 कमरे सैंक्शन किए। इस प्रकार 4+2 6 कमरे वेल वेंटिलेटेड, वेल फर्निश्ड, इस हिसाब से कमरों की व्यवस्था हमारी बनी। कक्षा 1 से 5 में पूरे अलवर जिले में रिकॉर्ड छात्र संख्या है। सत्र 2021-22 में 168 बच्चों का नामांकन है कक्षा 1 से 5 में। इसके लिए बैठने के लिए हमने यहाँ के जो भामाशाह पूर्व के जो सेठ जी, जो आजकल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनका बिजनेस है वहाँ, लोहे का सरिया का बिजनेस है, उनके द्वारा बनाई गई एक जीर्ण शीर्ण धर्मशाला थी। गाँव वालों के सहयोग से श्री सुंदरलाल जी सेठ जी, उनके सहयोग से उनसे संपर्क किया और उन्होंने उस धर्मशाला को इस लायक बनाया कि बच्चे वहाँ पढ़ सकें।
गाँव वालों के सहयोग से वहाँ बिजली पानी शौचालय इनकी व्यवस्था की और 1 से 5 तक कक्षाएं वहाँ शिफ्ट की। अब वर्तमान सत्र में कोरोना काल के बाद समस्याएं विद्यालय के सामने आती हैं, क्योंकि मेन एक शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चों में एक अच्छे संस्कार देना, और वो संस्कार कोरोना काल में बच्चों में कहीं ना कहीं हमें धूमिल नज़र आए। इसके लिए सितंबर 2021 से कक्षा 9 से 12 राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय में बच्चों को बुलाया गया और SOP जारी की गई, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद में 20 सितंबर 2021 से कक्षा 6 से 8 के बच्चे आ रहे हैं और 27 सितंबर से 1 से 5 के बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। आज वर्तमान में टू डेट 570 यानी 570 बच्चों का यहाँ नामांकन है, जो कि एक पूरे बानसूर ब्लॉक में कहीं भी इतना नामांकन नहीं है, जहाँ एक ही कला संकाय हो। नामांकन के साथ साथ ग्रामवासी ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कारों के साथ साथ अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी मिले। इसके लिए पूरा का पूरा स्टाफ प्रतिबद्ध है और भामाशाहों के सहयोग से इस वर्ष हमने एक नवाचार किया है, जिसमें बच्चियों के लिए आई कार्ड, बच्चों के लिए टाई बेल्ट, आई कार्ड, जूते। इसमें ये तय किया गया है कि जो बालक बालिकाओं के माता पिता सक्षम हैं वो अपना खर्चा वहन करेंगे, और जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो इसका जूतों का टाई बेल्ट इनका खर्चा वहन नहीं कर सकते, उस खर्चे को हमारा पूरा विद्यालय परिवार मिल करके वहन करेगा। किसी भी बच्चे को ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि मैं गरीब होने की वजह से मैं टाई बेल्ट, आई कार्ड, जूते इस तरह की सुविधाओं से मशरूम महसूस करूं, ये अनुभूति नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद में इस विद्यालय की एक अलग विशेषता ये है कि यहाँ मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, और सिक्योरिटी गार्ड एक आगंतुक पंजिका को मेंटेन करते हैं। कौन व्यक्ति विद्यालय में आता है, किस उद्देश्य से आता है, वो अपनी ID दिखाता है, उसके बाद ही उसको विद्यालय में अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। कोई भी गार्जियन डायरेक्ट क्लासरूम में नहीं जा सकता, पीओन के माध्यम से ऑफिस में आएगा, जो भी काम वो लेकर के आए हैं उनको बड़ी शालीनता से, बड़े सम्मान से बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, फिर उनके काम के बारे में पूछा जाता है कि बताइए सर आपका क्या काम है। और पूरा विद्यालय का स्टाफ और मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि विद्यालय में आए तो वो संतुष्ट होकर के जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। अब आज कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर लैब, सुसज्जित कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है यहाँ। इसमें 75-25 योजना मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत 75,750 रुपये भामाशाह श्री सुंदरलाल जी गुप्ता उन्होंने जमा करवाए थे, बाकी 3,12,000 गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन हुए, उनके माध्यम से 20 कंप्यूटर यहाँ बिल्कुल चालू हालत में, क्रियाशील स्थिति में हैं। उनका भी सभी बच्चे नियमित रूप से सप्ताह में 2 कालांश उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रत्येक बच्चे को, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के बच्चे को, कौन कहाँ क्या इसके बारे में मैं स्वयं बीच बीच में जाता हूँ, पूछता हूँ, लिखवाता हूँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब चीज़ों के बारे में उनको मैं अवगत करवाता हूँ। एक दूसरा जो नवाचार है इस विद्यालय में वो ये है कि कोई भी बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलेगा, मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि वो हिंदी भाषा में ही बात करें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कोई भी शिक्षक
कोई भी शिक्षक किसी भी विषय का शिक्षक लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। ये एक फाइन की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जब गुरुजी लोकल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, तो इसके लिए हमने एक पेनल्टी बना रखी है। अब तो सुधार इतना आ गया, 4 साल 4 माह का कार्यकाल मेरा हो गया, इस कार्यकाल में इतना सुधार आ गया कि बच्चे बेझिझक हिंदी बोलते हैं, और जो समय समय पर कार्यक्रम गांधी जयंती, नेहरू बाल दिवस और अन्य जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनके ऊपर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और अब कोरोना में हमने थोड़ा ये प्रेयर असेंबली नहीं होती है, प्रत्येक दिन प्रेयर में 5 क्वेश्चन जीके के लिखवाए जाते हैं, और माह के अंत में परीक्षा ली जाती है उन बच्चों की जो फर्स्ट सेकंड रहते हैं, उन बच्चों को हम ये डिक्शनरी उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि जीके के जो इस माह का जो पेपर हुआ था उसमें मुझे फर्स्ट स्थान मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला। तो इन सब नवाचारों को लेकर के मेरे मानना है कि गवर्नमेंट विद्यालय भी किसी भी दृष्टिकोण से निजी विद्यालयों से कमतर नहीं रहें। भामाशाहों के माध्यम से इस वर्ष कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो मुख्य मुख्य स्थान हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें वर्तमान में सरपंच साहब जो हैं उनका बहुत योगदान है, उन्होंने स्वयं ने 3 कैमरे दिए हैं, बाकी जो एलईडी की व्यवस्था की गई है ये एलईडी हमारे स्टाफ के साथियों के सहयोग से क्रय की गई है। तो इस वर्ष हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगाए हैं, और छोटे छोटे जो संसाधन हैं उनकी पूर्ति हम कर रहे हैं। इस वर्ष से 9, 10, 11, 12 इन कक्षाओं में लेक्चर स्टैंड रखवाया गया है, लेक्चर स्टैंड के माध्यम से ही बच्चे टीचर पढ़ाएं, बच्चे टीचर जो हैं वो कुर्सी पर बैठ करके नहीं पढ़ाएं, क्योंकि इससे वो प्रत्येक बच्चे पर नज़र नहीं रख पाते हैं। तो इस वर्ष से हमने ये नवाचार किया है कि लेक्चर स्टैंड प्रत्येक कमरे में होगा इस वर्ष 9 से 12, जिसमें टीचर खड़ा होकर के लेक्चर स्टैंड पर अपनी बुक को रख करके प्रत्येक बच्चे को नज़र देखते हुए, ध्यान देते हुए, कौन बच्चे किस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में, कौन बच्चा पढ़ाई से विमुख हो रहा है, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस वर्ष जो बांसुर के टॉप क्लास स्कूल हैं, SMS स्कूल, RCI स्कूल, ATS स्कूल, मरुधर स्कूल, विवेकानंद स्कूल, इन स्कूल से बच्चे TC कटवा कटवा करके हमारे विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़े गर्व और गौरव की बात है। और यहाँ से 10th पास करने के बाद में जो बच्चे निकलते हैं, तो प्राइवेट स्कूल की यहाँ साइंस न होने की वजह से निजी विद्यालयों में उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, तो वो बच्चे गत वर्ष कोमल कंवर जो पूरे बांसुर तहसील में साइंस वर्ग में, विज्ञान वर्ग में टॉपर रही थी, वो कक्षा 10 में इसी विद्यालय की छात्रा थी, जो ATS विद्यालय में थी, 12वीं पास की थी, तो वो बालिका इसी विद्यालय की छात्रा थी। तो ऐसे जो प्रतिवर्ष ऐसे प्रतिभावान जो बच्चे कक्षा 10 में होते हैं, वो आज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट की तैयारी के लिए सीकर, कोटा, अन्य जगह जाते हैं, गार्जियंस आते हैं हमसे पूछते हैं, उनको ये प्रयास रहता है कि गार्जियंस को संतुष्ट किया जाए कि आपके बच्चा इस लेवल का है तो इस बच्चे के भविष्य के लिए आपको आर्थिक ज़्यादा वजन भी नहीं पड़े, आर्थिक बोझ भी नहीं लगे, और बच्चा का टैलेंट भी सामने निकल करके आए, तो ये हमारा भरसक प्रयास रहता है। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन करने की घोषणा की है, जो 12 नवंबर से प्रारंभ होंगे। एक बहुत बड़ा खेल का इवेंट पूरे राजस्थान में आयोजित होगा, इसके लिए 6 गेम्स रखे गए हैं बालक और बालिकाओं के लिए,
इसमें हमारे विद्यालय के सभी गेम्स में बच्चे भाग लेंगे। हमारे जो पीटीआई जी हैं श्रीमती सरला बेनीवाल, वो अभी से उन बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास में हो, शैक्षिक गैर शैक्षणिक खेल में हर क्षेत्र में बच्चे का विकास हो और वो एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बने कि हमारे देश के योगदान में, देश के विकास में उसका बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक संदेश जाए। और आज मैं युवा जागृति संस्थान की टीम के सदस्यों के माध्यम से पूरे शिक्षक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कर्म की पूजा होती है, कर्म करो और कर्म ऐसा करो कि लोग याद करें, क्योंकि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमें शिक्षक बनने का यदि अवसर मिला है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो कर्म का कर्म होता है और एक धर्म का धर्म होता है। क्योंकि इन बच्चों की वजह से ही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमारी रोजी रोटी अच्छी है, सरकार हमें बेहतरीन तनख्वाह देती है। तो इन बच्चों के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करें, ईमानदारी से पढ़ाएं। और निश्चित रूप से यदि हम हमारे ईमानदारी से कार्य करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा और एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं युवा जागृति संस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये काम एक दिन की देन नहीं, ये एक निरंतर उनके प्रयासों का एक प्रतिफल है। तो इसी प्रकार की कहानियों को हम इस मंच के माध्यम से हर शनिवार आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो अगले शनिवार फिर आपसे मिलते हैं इसी प्रकार गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। अगर आपने हमारे गांववाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे गांववाणी स्टूडियो पे जो भी इस प्रकार की सफलता की कहानियां और नए जो मूवमेंट रिकॉर्ड किए जाएं जो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।